का लिया था और उसका डिस्टेंस हमने रखा था 12 फीट, उसका सेंटर से उसका सेंटर 12 फीट, बीच में ग्रीन मैन्यूरिंग लिया था। अभी इस साल हमारा वो हो गया क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हो गई, अब हमें उसकी उतनी जरूरत नहीं, जब होगी तब फिर से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम लोग, मैं कहता हूँ कि ड्राईलैंड फार्मर या हमारी प्रोडक्टिविटी हम इस बेस पे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने 2 लाइन उसके लिए, फिर बाद में 8 फीट का जो स्पेस बचा था उसमें हमने ग्रीन मैन्यूरिंग किया। ग्रीन मैन्यूरिंग में हमने पूरा बदल दिया, अपने तरीके से बनाया कि ज्यादा से ज्यादा बायोमास उसका मल्चिंग हो लाइव। तो हम लोगों ने 4 किलो बाजरा, 6 किलो बरबटी, काउपी बोलते हैं बाजरा को, क्या बोलेंगे, बाजरा। तो 6 किलो काउपी और 20 केजी बोरू और धैचा, ये 3 चीजों को मिला दिया और वो 8 फीट के स्पेस में डाल दिया। काउपी एंड ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप धैचा और बोरू, देन सम डायकोटिलेडोन्स क्रॉप लाइक काउपी और अदर थिंग्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स बाजरा, ऑल दिस मिक्सचर एरोग्रीन बोलेंगे हम उसको। तो वो उस तरह से वो एरोग्रीन तैयार किया और उसमें उसका लॉजिक ये था कि बाजरा ये बोरान भी पैदा करता है, बायोमास भी पैदा करता है, बहुत ज्यादा बायोमास उसको बाजरा से, उसके फिर से फ्रूटिंग आते हैं, इसलिए उसको बाजरा का सिलेक्शन किया। बीज बारी का तो नंबर ऑफ प्लांट बहुत मिलते हैं उसके, तो उसको यूज करने का लॉजिक वो था। फिर जो हमने काउपी का इस्तेमाल किया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और बायोमास भी देता है, तो हमको अलग 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 न्यूट्रिशन उसमें पैदा करना था जमीन में। फिर तीसरा हमने जो इस्तेमाल किया बोरू और धैचा, वो हम जो पहले अलौकिक खाद का इस्तेमाल किए थे, वो संजीव खाद का इस्तेमाल किए थे, उसके वजह से जो जीव जंतु पैदा हुए थे उनको भोजन चाहिए था, तो वो भोजन सप्लाई करने का सिस्टम था हमारा कि ये सारे जीव जंतु को ये भोजन देना है। मेन क्रॉप तुअर था, तो वो तुअर को प्रोटेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि मक्के की वजह से किसी भी प्रकार के तुड़तुड़े मावा वगैरह नहीं आया। कॉटन में भी ये प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉटन में हम आज से की कंडीशन से कई गुना उसके उत्पाद हम बढ़ा सकते हैं कॉटन में, और कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों भी ट्रैप प्लांट करके आपका कॉटन का काम करेगा 100 डेज तक, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं रहती किसी प्रकार के स्प्रे की। तो कॉटन और तुअर के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने फिर क्या किया, ग्रीन मैन्यूरिंग 60 दिन का हो गया तो उसको काट के मल्च बना दिया, वो मल्चिंग नियर अबाउट 1 फुट का उसका मल्च हो गया, वो 1 फुट तक, 1 फुट का, 1 फुट। हम इतना गोबर खाद नहीं डाल सकते हम, अब जब FIM इतना पैदा हो गया नेचुरली, तो उसके बाद में हमने बाजरा जो मिक्स किया था, तो आफ्टर 100 डेज सेकंड हार्वेस्टिंग आ गया, उसको नंबर ऑफ ब्रांचिंग आई फिर से, और वो और फिर से पूरा बायोमास तैयार हो गया, सेकंड बायोमास, उसको काट के फिर मल्च कर दिया, तो सेकंड बायोमास फिर मल्च होने की वजह से फिर उसका लेयर नियर अबाउट 6 इंच का उसका फिर से लेयर बन गया। तो पहला लेयर 1 फुट का, दूसरा 6 इंच का, 120 दिन में तब तक ये तुअर पूरी ग्रोथ कर चुकी थी। अभी ये 17 जून को हमारी लगाई है, 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर, 90 डेज की हो गई, तो वो 90 डेज में ये इस पे आ गई थी, तो फिर बाद में वो कवर होने लगी, तो तीसरा बायोमास हमने फिर उससे लिया नहीं। तो इसमें फायदा क्या हुआ, अब मैं बोला कि तुअर का उपज हम धीरे धीरे 1 एकड़ में 30 क्विंटल तक 12 फीट पे अगर जॉइंट लाइन जा सकती है, तो अगर फिर तुअर के जगह पे हमने सेकंड ईयर वहां पे ग्रीन मैन्यूरिंग लिया और जहां बायोमास था वहां पे तुअर का फसल लिया, तो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा अच्छी आई। इस साल और तीसरा साल है, तो तीसरे साल में इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, तो पर एकड़ हम लोगों का यील्ड 2 क्विंटल 3 क्विंटल बढ़ते बढ़ते हम लोग 12 क्विंटल पर चले गए। लेकिन ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे तो एक समय ऐसा आता है कि हम वाटर कंजर्वेशन भी करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, और तुअर का उपज हम उसका लास्ट स्टेज है 30 क्विंटल तक, हम 30 क्विंटल तक पर एकड़ इसका यील्ड ले सकते हैं तुअर का। तो 30 क्विंटल हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते सब, सॉइल फर्टिलिटी भी होगी, वाटर का। तो हम लोगों ने उसका इंतजार उतना नहीं किया, हम लोगों ने फिर ये यहाँ पे हल्दी लगाई। 200 रुपीज पर केजी मेरे पास इतनी डिमांड रहती है कि उनकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज्यादा मार्केटिंग के चक्कर, मेरा रिसर्च वर्क रहने से उसके ज्यादा मार्केटिंग में नहीं जाता मैं तो। लेकिन इसकी आज हमारा ये 1.25 एकड़ में पूरा हल्दी का फसल है, अब ये कम से कम इसमें 40 से 50 क्विंटल हमारी हल्दी हो जाएगी गिली, सूखा के 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल हल्दी हुई 200 रुपए किलो से गई, तो आप इसे हमें कितना पैसा मिलेगा। अब इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं मारा,
तो इसमें जो कुरकुमिन का परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और उसका जो टेस्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करेगा वो पूरा। तो एंटीबायोटिक नेचुरली मिल गया, कुरकुमिन है तो कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से भी हमको सुरक्षा दे सकता है, वो ही हेल्दी दे सकती है जो नेचुरल तरीके से पैदा की गई है। तो हम लोग ये अभी इसकी ग्रोथ देखिए आप, 90 डेज की ग्रोथ है ये, 90 डेज में ये ग्रोथ हमको नेचुरल फार्मिंग में मिल गई है। अभी हम लोगों ने फिर इसमें क्या किया था प्रैक्टिस सेकंड बताता हूँ। ये रोपे लगाया हुआ है, हमने हर 8-8 फीट पे इसको लॉक कर दिया, लेकिन एक महीना ड्राई कंटिन्यू गया तो इसका इरिगेशन करना पड़ा हमको, फिर वो लॉकिंग निकाल दिया था तो पूरा लॉक किया था, तो स्टार्टिंग का पूरा पानी यही रोक लिया था हम लोगों। इस तरह से इसमें पानी भी रोक सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, जब बढ़ जाती है तो ये फिर हमको क्वालिटी मिलती है इसकी। इंटरकल्चर ऑपरेशन से इंस्टीट्यूट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट अबाउट वीड वीडिंग, हाउ आर यू कंट्रोलिंग वीडिंग? फर्स्ट तो काम हम ये करते हैं कि बाल निंदन का काम करते हैं, सेकंड हम ब्लॉक से उसको कंट्रोल करते हैं। ये अभी जो आप देख रहे थे प्रैक्टिस, बाल निंदन मीन्स इन 15 डेज 10-15 डेज यू कैन वीड बाय हैंड वीडिंग वन इंप्लीमेंट हैज डेवलप्ड बाय सुभाष शर्मा जी। 80% कॉस्ट बच जाती है उसका बाल निंदाई का, वुमन फार्मर इजीली डूइंग दैट प्रैक्टिस, और उसमें बहुत बड़ी सेविंग होती है और हमको वो कोई उसके तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उससे हम कंट्रोल कर लेते हैं पूरा। तो ये प्रैक्टिस जब हमारे समझ में आ जाती है तो हमारा फिर कंट्रोलिंग में रहता है पूरा वीड्स, अभी पूरा कंट्रोलिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जाला देख रहे हो आप, पर बारीक इंसेक्ट है वो सबको खाने का काम, तो एवरी सम 100 स्क्वायर फीट में एक 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 जाला बनेगा। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, वेल हेल्दी क्रॉप ये तैयार हो गया उसके वजह से। तो हमें ये सब सपोर्ट करते हैं इंसेक्ट एक में, और इनके थ्रू हमारा पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम चलता है। सुभाष शर्मा जी, वो जो वो पत्ते थोड़ा येलो दिख रही है, क्यों? ऐसा उसका कलर ही है ना, ऐसा थोड़ा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इट विल रिकवर, हो जाता है जैसे अब ऊपर का सूर्य प्रकाश मिलेगा उसको तो हो जाएगा। फिर ये अभी प्रॉब्लम ये इंसेक्ट ने खाया है, अब इंसेक्ट ने खाया है क्या, भोजन करने का अधिकार सिर्फ इंसान को ही है, अब इनको भी खाने दो, ये खाएंगे तभी साइकिल चलेगी। तो हम इनके खाने पे खुश हो जाते हैं, इसने मेरा फ्रूट खाया तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो अब एक साइकिल बनेगी। तो अब ये जो खाता है ये खा के जब इसका पूरा साइकिल बन के जमीन में फिर से मिलता है तो इसने जो नुकसान किया उससे 4 गुना हमको ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसके खाने पे खुश होता हूँ मैं कि ये तो भाई खा के जितना नुकसान तक लेट अस से ही इज सीइंग द ईटिंग डैमेज ही सी इट्स सब्सिक्वेंट टू 2 or 3 टाइम्स बेनिफिट ही इज नॉट सीइंग। तो अब जब ये दिस प्रॉब्लम कम, अब ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसेक्ट लग गया इसको, अब इसमें जहर मारना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचता है कि ये साइकिल से कैसे उसके साइकिल के वजह से इससे जो लॉस होगा उससे इसी वर्ष इमीडिएट हमको 2-3 टाइम प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, ये उसके उसके दिमाग में अभी नहीं बैठ रहा है क्योंकि हम बैठने नहीं देते। वो कैसे आएंगे? और पॉइंट इज तो अब ये देखिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अब ये इसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया है? पत्ते ने, जमीन से और सूरज से, सूरज से और जमीन से, दोनों से लिया है। अब दोनों से लिया है, इसको खा लिया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट ने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया? पौधे से, ये पत्ते से लिया। अब वो इंसेक्ट को फिर बर्ड्स ने खा गया, बर्ड्स ने कहाँ से लिया? इंसेक्ट से। उसका ड्रॉपिंग जमीन पे गिर गया, वो कहाँ रिसाइकल हुआ? उसके पेट में जाके रिसाइकल होके फिर वापस जमीन पे गिरा। तो वो ड्रॉपिंग जो गिरता है या इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट की डेड बॉडी फिर से जमीन में मिल गई, तो वो वेल हेल्दी होके फिर से जमीन में मिल गई। तो उसके बॉडी में
यहाँ से जो लॉस हुआ है, जमीन का न्यूट्रिशन का जो लॉस हुआ है, वो उसके साइकिल में डेवलप होते होते वो इंसेक्ट के पेट में या बर्ड्स के पेट में ड्रॉपिंग के रूप में गिरता है, तो उसका वैल्यू उससे 3 गुना ज्यादा होता है जब वो ड्रॉपिंग के रूप में गिरता है या डेड बॉडी के रूप में गिरता है। बट सुभाष शर्मा जी, जो लॉन्ग टर्म साइकिल जो है आप जो बता रही है वो समझने से अच्छा लगता है, बट किसान का जीवन में शॉर्ट साइकिल देखते हैं, एक खेत में ये सीजन में हमारा नुकसान हो रही है, तो अगर एक प्रतिशत ऐसा इंसेक्ट है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आधा प्रतिशत है, 50% ऐसा डैमेज है तो मुझे तो थोड़ा घबराव लगता है, तो क्या इसे इसको समझे? उसके लिए हमको, मैंने पहले कहा आपको, पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग ऐसी जगह पर ग्रीन मैन्योरिंग का क्रॉप ले लेते हैं और खेत को मैंने पूरे अलग 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 मिक्स क्रॉपिंग से ले लिया है, और एक मेन क्रॉपिंग जो है मेरा वो ट्रीज है, लेकिन फर्स्ट ईयर ट्रीज नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो मुझे इमीडिएट ट्रीज पैदा करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग, तो ग्रीन मैन्योरिंग में वो तीनों भी ट्रैप प्लांट का काम करेंगे आपका, उसमें का काउपी भी ट्रैप प्लांट का काम करेगा, उसमें जो आपका बाजरा है वो भी ट्रैप प्लांट का काम करेगा, और बोरू भी आपका ट्रैप प्लांट का, तो कॉटन के साथ अगर हम उसको जोड़ते हैं तो कॉटन का यील्ड बढ़ता और वो 100 डेज तक उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता, जब तक एक साइकिल तैयार हो जाती है आने वाले समय के भी उसमें इंसेक्ट का प्रॉब्लम कम होता है। इंसेक्ट इंसिडेंस ही कम करे शुरू में, हाँ। वो कम होने के बाद अगर कुछ डैमेज हुआ तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। तो अगर नहीं, वो आपको फिर आपने इंसिडेंस कम करना है शुरू में, डिस्टर्बेंस नहीं किया उसने, और मैंने अलौकिक खाद का आपको बताया और आपने गोसंजोग का और बायोमास का यूज किया तो आपका डेंजरस लेवल तक जाता ही नहीं है, पहले वर्ष में भी नहीं जाता, लेकिन शर्त यह है कि आपको अलौकिक खाद से शुरू करना, हाँ, अलौकिक खाद, बायोमास और ग्रीन ये सब करना, ये सब आपको करना पड़ेगा, और वो एक बार प्रैक्टिस में आ गए तो इजीली हम कर सकते हैं। तो ऐसे में मॉडल चाहता हूँ कि जगह जगह ऐसे मॉडल खड़े हो जाए, तो जो हम पर ईयर उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका डेटा हमारे पास वो बनते चले जाए, तो बहुत अच्छा होगा, फिर उसके आधार पर हम